press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Hello friends, welcome. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3 का सॉल्यूशन, राइट? तो मॉक टेस्ट 3 सॉल्यूशन देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मॉक टेस्ट का लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, राइट? वहाँ पर 20 क्वेश्चंस उस पीडीएफ में आपको मिलेंगे. 20 क्वेश्चंस, टाइम लिमिट है 15 मिनट, राइट? 15 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. आप देखना कि आपका स्कोर कितना आता है, राइट? अब आप कहेंगे कि सर आंसर कैसे टेस्ट करें, तो आंसर मैं यहाँ पर बताऊँगा. सॉल्यूशन में सॉल्यूशन भी बताऊँगा, क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी करना चाहिए वो भी आपको बताऊँगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है. इन हाउ मेनी ईयर्स डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो सम ऑफ मनी 4 गुना बन जाए 5% की रेट पर, कितने समय में बन पाएगा ये मुझे बताना है. देखो इस तरीके से करेंगे. पहला तरीका तो इसका जो है फॉर्मूला बेस्ड मेथड है. फॉर्मूला बेस्ड मेथड क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, राइट? और सम ऑफ मनी 4 टाइम्स बन जाए तो अगर प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट कितना होना चाहिए? अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट कितना बनना चाहिए? 4p, राइट? ठीक है, पी से 4p हो जाए, राइट? अगर अमाउंट 4p है और प्रिंसिपल पी है तो इंटरेस्ट कितनी बनी? अगर कोई पैसा पी से 4p उसका अमाउंट हो गया, मतलब इंटरेस्ट कितनी बनी? 3p बनी. इन दोनों का गैप कितना हुआ? 3p. 3p इज द इंटरेस्ट, राइट? एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू PRT/100. दिस मस्ट बी इक्वल टू PRT/100. रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 5 है, तो मैं सीधे 5 रखता हूँ यहाँ पर. 5 टी टाइम इज टी जो हमें फाइंड आउट करना है बाई 100. पूछा गया कितने समय, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है. 320, ये 20 बार कटेगा, 20 × 3 = 60, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 ईयर्स, राइट? राइट. अब ये जो आंसर है सी ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है? अब यही क्वेश्चन अगर आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना होता तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते? देखो इस तरीके से विदाउट यूजिंग पेन इस क्वेश्चन को कर सकते थे हम. देखो कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. आप ये देखो कि अगर कोई सम 100% था तो वो 4 गुना हो गया, मतलब 400% हो गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 300% का. इंक्रीज कितने का हुआ? 300% का, ठीक है? और एक साल में इंक्रीज कितना होता है? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 5% का. तो एक साल में 5% बढ़ता है तो 300% कितने साल में बढ़ेगा? 300% × 5%, मतलब 60 ईयर्स. मतलब ये केवल 5 सेकंड का सवाल था, अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते तो, राइट? फॉर्मूला वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ की यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है. क्लियर है बात? फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया है कि 4 गुना हो जाए, मतलब 100% से 400% हो जाए, मतलब 100% से 400% हो गया, मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 300% का. एक साल में इंक्रीज कितना होता है? क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एक साल में इंक्रीज होता है 5%. तो 300% इंक्रीज के लिए कितने ईयर्स लगेंगे? 60 ईयर्स, 300/5. क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि PQR आर 3 टाउन्स ऑन अ रिवर, ठीक है? PQR एक रिवर के किनारे, एक नदी के किनारे के तीन टाउन्स हैं PQR, इस तरीके से. दिस इज टाउन पी, दिस इज टाउन क्यू एंड दिस इज टाउन आर, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है विच फ्लोज द रिवर फ्लोज यूनिफॉर्मली, ठीक है? अब देखो रिवर तो फ्लो करती है ये तो ठीक है, लेकिन रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करती है ये नहीं पता. रिवर पी से आर भी फ्लो कर सकती है, आर से पी भी फ्लो कर सकती है. अभी मुझे रिवर की डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया गया, ठीक है? पॉइंट क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, मतलब क्यू की जो दूरी है वो पी और आर से बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, पी क्यू और क्यू आर दोनों बराबर हैं, राइट? अ मैन रोज पी टू क्यू एंड बैक इन 10 आवर्स. तो एक बंदा पी से क्यू तक जाता है और वापस आता है कितने घंटे में? 10 घंटे में. मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, वापस आया, कुल मिलाकर समय उसे कितना लगा? 10 आवर्स. कितना समय लगा? 10 आवर्स, ओके? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में कुल मिलाकर समय कितना लगा? 10 आवर्स. अब ही कैन रो फ्रॉम पी टू आर इन 4 आवर्स. तो पी से आर तक अगर जाए तो उसे 4 घंटे लगते हैं, तो सीधा अगर गया पी से आर तक तो उसे समय लगता है 4 आवर्स का, ठीक है? हमसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट. तो मैन की स्पीड स्टिल वाटर में मानता हूँ x और स्पीड ऑफ करंट मानता हूँ y, ठीक है? ये मुझे बताना है रेशियो क्या होगा, ठीक है?
अब देखो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से करेंगे, कुछ लोग डिस्टेंस को डी मानेंगे तो इसको टी डी बाई टू करेंगे, डी बाई टू करेंगे, फिर आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट। लेकिन उसको लगाने से पहले कुछ कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो ये सवाल, इस सवाल में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, केवल ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, अगर पी से आर तक जाने में 4 घंटे लगते हैं तो डायरेक्शन तो या तो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, लेकिन डायरेक्शन तो उसकी सेम है, वो वापस तो नहीं आया, पी से आर तक तो एक ही डायरेक्शन में गया। मतलब पी से क्यू जो कि डिस्टेंस आधी है, तो यहाँ से पी से क्यू तक जाने में उसे 2 आवर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पी से क्यू तक जाने में 2 आवर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि पी से आर तक जाने में जो कि दूरी डबल है इसकी 4 आवर्स लगते हैं, सिर्फ पी से क्यू तक जाने में कितने लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे, राइट। अब देखो पी से क्यू तक गया और क्यू से पी तक वापस आया तो जो है उसे समय कितना लगा, 10 आवर्स, टोटल 10 आवर्स। तो पी से क्यू तक जाने में 2 आवर्स, तो वापस आने में कितना लगा होगा, 8 आवर्स लगा होगा, तभी तो टोटल 10 आवर्स हुआ, राइट। तो 2 + 8 = 10, राइट। तो आप ये सोचो कि कम समय कब लगता है, समय कम कब लगता है, जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो, राइट। जब नदी के साथ जाओगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी और आपको समय कम लगेगा। सो डाउन स्ट्रीम में टाइम इतना और अप स्ट्रीम में टाइम इतना, राइट। क्योंकि एक तरफ अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दूसरी तरफ अप स्ट्रीम आएगा, क्लियर सी बात है, राइट। तो आप बताओ कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का रेशियो क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो क्या हुआ। स्पीड का रेशियो, जो ज़्यादा वाली स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम होगी और जो कम वाली स्पीड है वो अप स्ट्रीम होगी। तो रेशियो क्या है, 8:2, टाइम का रेशियो 8:2, तो 8:2 वही स्पीड का रेशियो, राइट। तो बिकॉज अगर मैं डी अपॉन यू टाइम का रेशियो लेता तो वो 2:8 आ जाता है, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। तो स्पीड का रेशियो लूँगा तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा अपॉन कम, ज़्यादा अपॉन कम, डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होता है, अप स्ट्रीम कम होता है। तो कितना हो गया, 4:1, ठीक है, 4:1 का रेशियो हो गया। अब मुझे यहाँ से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो पता है और x:y निकालना है। x:y मतलब द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इनका रेशियो मुझे निकालना है। तो देखो कैसे निकाल सकता हूँ, x:y डायरेक्ट निकालने का तरीका है d+u = d-u, ठीक है। तो x:y क्या होता है, d+u = d-u, d+u क्या होगा, 4+1, एंड d-u क्या होगा, 4-1, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, 5:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 5:3 हुआ, क्लियर है बात। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, 5:3, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग सम कॉमन सेंस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी डू नॉट नीड एनी फॉर्मूला और वी डू नॉट नीड टू अज्यूम एनी वेरिएबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,20,000, एक जगह की जो जनसंख्या है वो 1,20,000 है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 7% एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वुड इंक्रीज बाय 9.5%। तो मेल्स अगर मैं 7% बढ़ा दूं और फीमेल्स बढ़ा दूं 10%, तो पूरे टाउन की पॉपुलेशन 9.5% बढ़ जाएगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स लिविंग इन द टाउन, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने देखो यहाँ पर क्या किया होगा, जिनको समय ज़्यादा लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो समय ज़्यादा क्यों लगा, उन्होंने ऐसे किया, मेल प्लस फीमेल दिया गया 1,20,000, ठीक है। मेल्स कितने इंक्रीज हुए, 7%, तो मेल्स में मैंने 7% बढ़ा दिया, 7% बढ़ा दिया मतलब 107% बन गया, 107% मतलब 107/100 into m, और फीमेल्स मैंने कितना बढ़ा दिया, हाउ मच इंक्रीज इन द फीमेल्स, 10% बढ़ा दिए, तो कितना बनेगा, 110%, 110%। एंड जो अब टोटल पॉपुलेशन बनती है वो 9.5% इंक्रीज हो जाती है, तो इसका 9.5% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, पता नहीं, लेट्स से बनाना पड़ेगा इसका 9.5% इसमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि केवल मैं इंक्रीज की बात करूं, केवल इंक्रीज की बात करूंगा, तो मेल में इंक्रीज हुआ है 7%, तो 7% ऑफ मेल्स, फीमेल्स में इंक्रीज हुआ 10%, मतलब 10% ऑफ फीमेल्स, और दैट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज कितना है, 9.5% ऑफ 1,20,000, ठीक, इस तरीके से, राइट। अब ये दो इक्वेशन पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, राइट, इसीलिए मुझे एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है वो होता है एलिगेशन मेथड, राइट। जहाँ भी मेल प्लस फीमेल टोटल पॉपुलेशन या ए प्लस बी बराबर सी, इस टाइप का रिलेशन आपको देखे तो समझ लो कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दो चीज़ें कौन सी हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर मैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, राइट।
कॉन्सेप्ट लगाऊंगा एलिगेशन का तो कैसे लगाऊंगा, मेल्स में इंक्रीज दिया गया 7%, यहाँ लिखा मेल्स और यहाँ फीमेल्स। अगर मुझे मेल और फीमेल का रेशियो मिल जाता है तो मैं जो है फीमेल पॉपुलेशन और मेल पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो निकाल सकता हूँ, क्योंकि सम तो मुझे ऑलरेडी पता है, सम तो ऑलरेडी पता है। तो आप देखो जरा मेल फीमेल का रेशियो क्या है, मेल में इंक्रीज हुआ 7%, फीमेल में इंक्रीज हुआ 10%, ओके। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, 9.5%, बीच में लिखते हैं, राइट। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या आया, देखो मेल इज टू फीमेल क्या आएगा, 10 माइनस 9.5 मतलब 0.5, 9.5 माइनस 7 इज 2.5, सो 0.5 अपॉन 2.5 मतलब 1:5। ऐसे भी कर सकते थे कि पॉइंट हटाने के लिए तीनों में 10 से गुणा कर देते तो 70, 100 और 95 बनता, 100 और 95 का डिफरेंस 5 और 95 और 70 का डिफरेंस कितना 25, तो 25 और 5, 5 और 25 का रेशियो 1:5 हो जाता, ठीक है। जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, मुझे रेशियो से मतलब है, कुल मिलाकर कितना है 6, और वो जो पॉपुलेशन है वो किसके बराबर है, 1,20,000। तो 6 की वैल्यू 1,20,000, तो 1 की वैल्यू कितनी 20,000, 6 की वैल्यू 1,20,000, तो 1 की वैल्यू 20,000। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस मेल और फीमेल में डिफरेंस देखो कितना है, 5 और 1 में डिफरेंस 4 का है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20,000 तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 80,000, ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। आंसर इज ऑप्शन ए। इस तरीके से करते तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, आपको कोई भी कैलकुलेशन, खास कैलकुलेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आइडियली इस तरीके से इस सवाल को करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेलर सेल्स 2 वॉचेस एट 8% एंड 15% डिस्काउंट। तो एक वॉच उसने बेची 8% के डिस्काउंट पर और दूसरी वॉच बेची 15% के डिस्काउंट पर। नाउ द टोटल मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स इज 2100 टोटल मार्क प्राइस है, राइट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स इफ द टोटल डिस्काउंट इज 12%। अब देखो एक को तो देखो डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन होता है एक तरीके से। पहले पर डिस्काउंट कितना मिला है 8% का, पहले पे 8% डिस्काउंट। दूसरे पर डिस्काउंट कितना मिला है 15% का, 15% डिस्काउंट, राइट, ओके। पहले पर 8%, दूसरे पर 15%। टोटल मार्क प्राइस कितना है, टोटल MRP 2100 रुपये है, टोटल MRP 2100 रुपये है, ठीक है। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, राइट, ठीक है। टोटल मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स 2100, फाइंड द डिफरेंस इफ द टोटल डिस्काउंट इज 12%। टोटल डिस्काउंट कितना मिला है 12% का, राइट। अब अगर मैं इसमें से 12% कम करके सेलिंग प्राइस निकालता हूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ। देखो 12% क्या होगा, इसका 10% 210, 2% कितना, इसका 2% कितना हुआ 2%, 1% 21 तो 2% 42। तो मैं बोलूँगा कि दिस इज 252, राइट। टोटल जो डिस्काउंट मिला वो 252 रुपये का मिला, राइट। वो जो डिस्काउंट है वो लेट से दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो वो क्या है एक्स और वाई पर मिला है, राइट। तो एक्स पर 8% मतलब 8% ऑफ एक्स, और वाई पर कितना मिला 15%, तो 15% ऑफ वाई दैट इज बराबर 252। ऐसे करेंगे दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर 2100, ये करेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम जो है इसमें टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, राइट, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमारे दिमाग में एक कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए एग्जाम में कि मैं इसको दिया तो डेफिनेटली गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैं क्या कुछ और लगा सकता हूँ, कोई और टेक्निक लगा सकता हूँ कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो जी हाँ, हमें इस तरीके से सोचना है कि जब हम बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज किस पर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पर, क्लियर है बात। डिस्काउंट परसेंटेज किस पर कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और मार्क प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, लेट से M1 और M2, पहले का मार्क प्राइस और दूसरे का मार्क प्राइस, दोनों का सम कितना है 2100, दोनों का सम कितना है 2100, ठीक है। नाउ पहले पर कितना डिस्काउंट मिला है 8%, ठीक है। तो 8% की कमी आई है, डिस्काउंट का मतलब क्या, परसेंटेज डिक्रीज, तो मतलब पहले का जो मार्क प्राइस है उस मार्क प्राइस में 8% की कमी आई है। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, मेल्स में 8% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन यहाँ पर लिखेंगे, फीमेल्स में जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो टोटल मार्क प्राइस और पहले वाले का और टोटल मार्क प्राइस दूसरे वाले का, राइट।
दूसरे वाले में कितना डिस्काउंट मिला है 15%, तो माइनस 15% करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल डिस्काउंट जो हुआ है वो होता है 12%, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू, तो माइनस का 12%। अब यहाँ पर मैं माइनस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों में ही माइनस है, क्योंकि तीनों में ही माइनस है। अब देखो माइनस लगा के भी करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो रेशियो आएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना -3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना -4, राइट, तो 3/4 आएगा। अगर मैं माइनस ना भी लगाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे पता है कि परसेंटेज डिक्रीज है, पर अगर मैं तीनों में माइनस नहीं लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तीनों में ही माइनस है। लेकिन अगर एक में डिक्रीज हो और दूसरे में ना हो, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, राइट, फिर हम साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ तीनों में माइनस है तो तीनों में से हटा सकते हैं। तो मार्क प्राइस 1 और मार्क प्राइस 2 का रेशियो जो हुआ वो कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, ओके, ठीक है। कुल मिलाकर मार्क प्राइस कितना है, 3 + 4 = 7, 7 की वैल्यू 2100, तो 1 की वैल्यू कितनी 300, ठीक है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस, डिफरेंस तो वही है 1, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है, राइट, 1 का डिफरेंस 300, मतलब यही मेरा आंसर है, राइट, ठीक है। तो केवल इतना ही काम इस क्वेश्चन में करना था, हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का वो सक्सेस इंक्रीज और डिक्रीज ये सब नहीं करना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, ठीक है। इफ 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड, ठीक है, 60% बॉयज पास हो गए, 50% गर्ल्स पास हो गई, फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल कैंडिडेट्स, तो फेल कैंडिडेट्स कितने हुए, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पर पास स्टूडेंट का ओवरऑल परसेंटेज निकाल देते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, फेल कैंडिडेट्स का ओवरऑल परसेंटेज। तो आप देखो कि 1000 बॉयज हैं, बॉयज कितने 1000 और गर्ल्स कितनी है 800, गर्ल्स कितनी है 800, ठीक है। अब 1800 मुझे एक्चुअल नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो सीधे देखूंगा कि रेशियो कितना है इनका, 5:4, 10:8, मतलब 5:4, ओके, ठीक है। अब जो है बॉयज़ में कितने पास हुए 60%, अगर पास 60% हुए तो मैं बोलूँगा फेल्ड कितने हुए, अब ये देखो फेल्ड कितने हुए 40%, अगर पास हुए 60% तो फेल हुए 40%, और गर्ल्स में 50% पास हुई तो फेल भी 50% हुई, राइट। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल केवल हमें जो है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना है, n1a1 + n2a2 / n1 + n2, यानी कि 5 × 40 = 200, 4 × 50 = 200 डिवाइडेड बाई 5 + 4 = 9, राइट। तो आप देखोगे ये कितना बनेगा, 400/9, यानी कि 4/9 × 100 ऐसे लिखूंगा, 1/9 क्या होता है 11.11, तो 4/9 क्या होता है 44.44%। एक्चुअल कैलकुलेशन करने की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, राइट, मैं तो केवल रेशियो से ही निकाल सकता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए हैं ये काफ़ी आसान नंबर है, 1800 पर अगर आप परसेंटेज भी निकालोगे तो भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर ये नंबर कुछ उल्टे सीधे नंबर दे दिए जाते, 1648 और उसका आधा 824 इस तरीके से दे दिए जाते, फिर आपको परसेंटेज निकालने में दिक्कत आ जाती, राइट। तो इसीलिए रेशियो लेकर अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ वॉट 44.4%, यानी कि ऑप्शन सी हम इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस तरीके से दिया गया है, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आप पूछेंगे कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए था, तो मैं बोलूंगा कि 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, रीड करने में 10 सेकेंड और सॉल्व करने में 10 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में सवाल हो जाना चाहिए। ये तब होगा जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है और आपको पता है कि कहाँ मुझे क्या लगाना चाहिए, कहाँ कौन सी वैल्यू अज्यूम करनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। सबसे पहली बात कि एक इलेक्शन में ए गॉट 33 1/3% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक, टोटल का 33 1/3%, तो मुझे पता है कि 33 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/3 1/3, और दूसरी वैल्यू जो दी गई है 42 6/7%, ठीक है। अब ये तो मैं लिख रहा हूँ केवल इसीलिए ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, वरना ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो पहले ही पता होना चाहिए 42 6/7%, मतलब 3 × 14 2/7%, ये भी पता होना चाहिए 42 6/7 होता है 3/7, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 14 2/7% क्या होता है 1/7 होता है, 1/7 का 3 times मतलब 3/7 बस। अब देखो इनिशियल तो आपको ए को जो मिले वो 1/3 मिले टोटल के,
और बचे हुए के 3/7 किसको मिले, बी को मिले, राइट। तो मैं कोई ऐसा टोटल मान लेता हूँ जो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल हो, मतलब 21 हो, तो मैं अगर टोटल को 21 मान लेता हूँ तो ए को कितने मिलेंगे, देखो जरा ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। ए को मिलेगा इसका 1/3, मतलब 21 का 1/3 कितना, 7, और बी को बचे हुए का 3/7, तो बचा कितना, 21 में से 7 चला गया तो बचा कितना, 14, और 14 का 3/7 कर देंगे बस, 14 का 3/7 किया तो कितना आएगा देखो जरा, 2, दिस इज 6। तो अगर 7 वोट ए को मिले तो बी को कितने मिले, 6 वोट। अंतर कितने का है, मतलब ए और बी का रेशियो आ गया 7:6। अंतर कितने का है, देखो अंतर कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर किसके है, 1 यूनिट बराबर 4000, जो अंतर है वो 4000 है, वो क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। द डिफरेंस, ए गॉट 4000 मोर देन बी, तो एक की वैल्यू 4000, तो हमें तो टोटल चाहिए, टोटल कितना 21, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 4000 मतलब 84000 आंसर, ये मेरा आंसर है, राइट। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन आता है, ये चीज़ आपके दिमाग में है, और आपको ये भी पता है कि जब इस तरीके से होता है कि रिमेनिंग का इतना परसेंट, रिमेनिंग का इतना परसेंट, तो मैं जो टोटल मानता हूँ ना वो इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लेता हूँ, जो डिनोमिनेटर है इनका मल्टीप्लाई मान लो, तो फ्रैक्शन को आप अवॉइड कर पाओगे आसानी से, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आइडियली सॉल्व हमें इसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इंक्रीजेस बाई 2 इफ द 6th नंबर इज एडेड टू देम। 5 नंबर्स का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 2 से बढ़ जाता है अगर एक छठा नंबर उनमें ऐड कर दिया जाए। फाइंड द 6th नंबर इफ द इनिशियल एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 34, ठीक है। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड और एक डायरेक्ट विदाउट यूजिंग पेन हम इसको कर सकते हैं। अगर बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, इनिशियली कितने नंबर है, 5 नंबर है, और एवरेज कितना है, 34, तो टोटल कितना हुआ उनका, 34 × 5। अगर 5 नंबर है, एवरेज 34 है, तो टोटल 34 × 5। एक छठा नंबर इनमें आ गया, तो मतलब लेट्स से छठे नंबर का जो वेट था वो एक्स था, या छठे नंबर की जो वैल्यू थी वो एक्स थी, राइट, वो इनमें ऐड कर दिया गया, तो कुल मिलाकर 6 नंबर हो गए, और एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गया 2 से, मतलब पहले 34 था तो अब 36 एवरेज हो गया, ठीक है, और कितने नंबर हैं, 6 नंबर, तो टोटल कितना हो गया, 36 × 6, ठीक है। पहले एवरेज 34 था, 5 नंबर थे, तो टोटल हुआ 34 × 5, एक एक्स जो है नया नंबर आया वो इनमें ऐड हुआ, तो नया एवरेज बना 36, 34 से 2 ज़्यादा 36, और नंबर कितने हो गए, 6, तो टोटल कितना हो गया, 36 × 6, क्लियर है बात। ये कितना बनेगा, 170, और ये कितना बनेगा एक्स, और ये कितना बनता है, 216। तो x की वैल्यू 216 माइनस 117 मतलब कितना, 46 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। बेसिक से हम इसको कर सकते हैं, अगर मुझे इसे डायरेक्टली करना है विदाउट यूजिंग पेन, इक्वेशन नहीं बनानी, तो भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। देखो कैसे, देखो अगर कोई बंदा क्लास में आया है और उसके आने से एवरेज जो है इंक्रीज हुआ है, सपोज ये क्लास है 5 लोगों की, उस क्लास में आने से एवरेज जो है, एक बंदे के क्लास से आने से एवरेज जो है बढ़ गया, मतलब जो बंदा था वो अबव एवरेज था, तो अभी जो एवरेज, करंट एवरेज था क्लास का, वो कितना था, 34, राइट। तो सबको मान लेते हैं कि सबके वैल्यू 34 थे, सबके क्लास में 5 बच्चे थे, तो 5ों के मार्क्स 34 थे, राइट, 5ों के मार्क्स 34 थे, लेकिन जो नया बंदा है उसके आने से जो है एवरेज 36 हो गया, मतलब अब सबके मार्क्स कितने हो गए, 36 हो गए। कितने लोग हैं उसको मिलाकर, देखो जरा उसके आने के बाद 36 हुए हैं ना, तो उसको मिलाकर कितने लोग हैं, 6 लोग, तो सब में 2-2 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तभी तो 36 बनेगा सबका, राइट। तो 34 सबका था, अभी 5 लोगों का 34 था, अब 6 लोगों का 36 बनाना है, मतलब 6 लोगों को 2-2 एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके पास कितना वेट होना चाहिए, 6 × 2 एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब 12 एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब उसका वेट कितना होना चाहिए, 46। इस तरीके से सोचेंगे, देखो इसको विजुलाइज कैसे करें, दिमाग में आपको क्या पिक्चर चलनी चाहिए, देखो क्लास में 5 लोग हैं, इनका एवरेज है 34 5 लोग हैं, ठीक है, एक छठा बंदा आता है, ठीक है, सपोज एवरेज 34 है, मैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके 34 मान लेता हूँ, राइट, एक छठा बंदा आया, ठीक है, जिसके आने से जो एवरेज है वो 36 हो गया, मतलब सारी वैल्यूज 36 हो गई, तो ये 36, ये भी 36 हो गई, 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 और जो वो आया उसकी भी 36 हो गई, राइट। तो अभी तक तो वो था नहीं, लेकिन अब आया तो 36 होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो देखो इसने इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, और इसको भी 2 दिया, राइट, ठीक है, और तो टोटल इसका कितना हुआ, देखो इस तरीके से सोचेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और इसका 36, और कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए इसके पास, 36 से 10 ज़्यादा होना चाहिए, तो प्लस 10, तो मतलब कितना होना चाहिए, 46। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो उसको, राइट। तो आपका थॉट प्रोसेस इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके से अगर चलेगा,
तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है इस तरीके से, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास कंप्राइजिंग 15 स्टूडेंट्स वॉज 90, ठीक है। एक क्लास में 15 स्टूडेंट थे, उनके जो एवरेज मार्क्स थे 90 थे। नाउ द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स इज 87। देखो पहले जो 7 लोग हैं उनका एवरेज 87 है, मैं मान लेता हूँ कि सबके 87 है, सबके मार्क्स 87 है, इस तरीके से मान लिए 7 लोगों के, ठीक है, ये 7 लोग हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ लास्ट 7 स्टूडेंट्स इज 92। तो इसके बाद एक 8वां स्टूडेंट आया, 7 स्टूडेंट, 8वां स्टूडेंट, 8 हो गए, तो 8 और 7 और बचे, तो उनके जो मार्क्स हैं वो 92 हैं। तो ये जो आखिरी के 7 स्टूडेंट हैं इनके मार्क्स हैं कितने, 92, ठीक है। सो व्हाट वाज द मार्क्स ऑफ द 8th स्टूडेंट, और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है, 90 है। पूरी क्लास का एवरेज जो है 90 है। पूरी क्लास का एवरेज 90 बनाने के लिए मुझे इस नंबर को क्या रखना चाहिए, देखो पूरी क्लास का एवरेज 90 बनाना है ना, तो देखो इसको तो 90 रख देता हूँ, मैं सबको 90 बनाना चाहता हूँ, अगर सारे 90 बन गए तो पूरी क्लास का एवरेज 90 बन गया, तो इसको तो मैंने 90 रख ही लिया, ठीक है। लेकिन इसमें सब में दो दो कम करना पड़ेगा, राइट, इस सब में दो दो कम करना पड़ेगा। दो कम किया कितने लोगों में, 14 लोगों में, 7 लोगों में, 7 7 लोग हैं, 7 में सब में दो दो कम करेंगे तभी तो 90 बनेगा। 7 में दो दो कम किया मतलब 14 कम कर दिया, तो इसमें से 14 कम कर दो, राइट, इसमें से 14 कम कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या किया मैंने, +3 +3 करना पड़ेगा तभी तो 90 बनेगा, +3 +3 करना पड़ेगा तब 90 बनेगा। तो +3 करने के लिए मैं कहाँ से +3 लाऊँ, इसको दे देता हूँ +3, सबको इसको दे देता हूँ, तो +3 किया तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 7 टाइम्स, +3 × 7 +21, तो +21। तो मतलब इस वाले का वेट कितना होना चाहिए ताकि सारे 90 बन जाएं, तो 90 और इन दोनों का डिफरेंस 7, 90 और 7 97, 97, ये मेरा आंसर है। आइडियली इस तरीके से आपको इस सवाल को करना चाहिए था, तो आंसर है 97, ठीक। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि इसको मैं बेसिक से भी कर सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल तो आप ये समझने की कोशिश करो, ये जो मैंने तरीका बताया बेसिक से, देखो इसको कैसे करूँगा, इस तरीके से सोचूंगा कि पहले 7 का जो एवरेज है वो कितना है, 87, तो मतलब 7 × 87 उनका टोटल हो गया। 8वें बंदे का जो वेट है वो x है, और बाकी जो आखिरी के 8 हैं, आखिरी के 7 हैं, उनका एवरेज है 92 × 7, और जो क्लास का टोटल बनता है, क्लास का एवरेज 90 है, तो टोटल कितना बनेगा, 90 × 15 लोग, 15, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स बराबर एक्स प्लस 7 कॉमन ले लिया इनमें से, अंदर क्या बचा, 87 + 92, एंड दिस इज व्हाट, 15 × 9 = 135, 1350। तो x की वैल्यू कितनी आई, x प्लस ये दिस इज 9, दिस इज 17, 7 × 179, 1350। नाउ यू कैन सी x प्लस ये कितना होगा, ट्वेल्व फिफ्टी थ्री, राइट। नाउ 1350 - 1253 कितना आएगा, दिस इज 7, दिस इज 14 - 5 = 9, दिस इज ओके 97, तो x की वैल्यू आ जाएगी 97। लेकिन ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही क्या है आपको, ये कैलकुलेशन आप करते हो इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है एग्जाम में, राइट। जो मैंने मेथड बताया था डिस्ट्रीब्यूशन वाला कि सबको बराबर बराबर बांट दो, उस तरीके से करोगे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है अगर कम समय में सॉल्व करना है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ स्टूडेंट मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, ठीक है। एक स्टूडेंट के मार्क्स गलती से 63 की जगह 83 एंटर कर दिए गए। नाउ ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट इंक्रीज बाय 0.5। तो इस वजह से क्या हुआ कि क्लास का जो एवरेज है वो 0.5 से बढ़ गया, ठीक है। नाउ देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज वॉट, ठीक है। तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से सोचेंगे इस सवाल में, दो तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। पहला तो बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करें, हालांकि बेसिक से भी कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक स्टूडेंट के मार्क्स में गलती हुई है ना, एक स्टूडेंट के मार्क्स में गलती हुई है, राइट। बाकी सबका तो टोटल सेम रहेगा, जो पहले था वो भी वो अभी रहेगा, राइट। अगर मैं टोटल, अगर बाकी सबका टोटल टी मानता हूँ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को छोड़कर, ठीक है, और उसके मार्क्स रॉन्गली एंटर्ड हो गए कितने, 83, तो 83 तो उसके भी ऐड कर दिए 83, तो कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं, एन स्टूडेंट्स हैं, तो डिवाइड बाय एन, ये बराबर क्या होगा एवरेज, लेट्स से एवरेज हो गया, जो एवरेज था वो एक्चुअल एवरेज क्या था,
कि ये तो रॉन्ग वाले मार्क्स है ना 83, रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63. होना क्या चाहिए 63 और डिवाइड बाई एन, एक्चुअल एवरेज ये होना चाहिए. लेट से इसकी वैल्यू ए है और इस 83 क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ा दिए मैंने तो मतलब एवरेज भी बढ़ गया. कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, ए प्लस 0.5. ठीक है, ये हो गया. अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो टी बाई एन से टी बाई एन कट जाएगा, 83 माइनस 63 अपॉन एन बराबर ए से ए कट जाएगा, 0.5 बचेगा. ठीक है, 63 माइनस 83 20 बाई एन, दिस इज 0.5 मतलब 1/2, तो एन की वैल्यू 20 इंटू 2 यानी कि 40. एन की वैल्यू कितनी हो गई, 40. ये तो इसका बेसिक मेथड है. डायरेक्टली करना है तो कैसे करेंगे, हमें इन स्टेप्स की जरूरत ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है हमें. देखो ऐसे सोचना है, एक स्टूडेंट के मार्क्स में एरर कितनी आई, देखो एक स्टूडेंट के मार्क्स में एरर आई 83, लिख दिया गलती से 63 की जगह पर, राइट, तो एरर आई कितने की, 20 की. एक स्टूडेंट के मार्क्स में इतनी एरर आई है तो एवरेज में कितनी एरर आ जाएगी, तो एक ये तो टोटल में एरर आएगी ना. अगर मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स 63 से 83 कर दिए मतलब टोटल भी 20 बढ़ गया. अगर टोटल में इतनी एरर आई है तो एवरेज में कितनी एरर आएगी, डिवाइड बाई एन, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एवरेज में इतनी एरर आ जाएगी, राइट. और ये एरर किसके बराबर होनी चाहिए, 0.5, जो एवरेज में एरर आई है क्वेश्चन में दिया गया 0.5 के बराबर. तो मैं बोलूँगा 20 बाई एन बराबर 0.5 मतलब 1/2, तो एन की वैल्यू 20 इंटू 2 यानी कि 40. सीधे सीधे मुझे ये लिखना है और इस तरीके से इसको सोचना है, ठीक है, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 210 मार्क्स. अगर कोई स्टूडेंट 25% मार्क्स स्कोर करता है तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है. बट इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 240 एक्स्ट्रा मार्क्स. अगर वो 55% मार्क्स स्कोर करता है तो वो जो है 240 उसके मार्क्स जो है एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है. फाइंड द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बताना कि कितने परसेंटेज मार्क्स पर वो जो है पास होगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से, अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, 25% किसका, मैक्सिमम का, मैक्सिमम का 25% वो जो है स्कोर करता है और 210 मार्क्स से जो है फेल हो जाता है. अगर वो 55% मार्क्स स्कोर करता है, 55% किसका, मैक्सिमम का, राइट. ये है मेरे पासिंग मार्क्स, ये मेरे पासिंग मार्क्स हैं, लेट्स से इस पॉइंट पर ये जो है थ्रेशोल्ड है. पासिंग मार्क्स क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है कि इससे ऊपर आप पहुंचे तो पास हो गए, इसके नीचे रह गए तो फेल हो गए. तो जो बंदा पास हुआ वो इसके ऊपर पहुंच गया, कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आए उसके, 240 एक्स्ट्रा मार्क्स, 240 उसके मार्क्स जो है एक्स्ट्रा आए. तो पासिंग मार्क्स से 240 ऊपर आए, पासिंग मार्क्स से 240 ऊपर आए जब उसने अचीव किए थे कितने, 55%. तो ये जो बंदा था इसके मार्क्स कितने थे, 55%. जो दूसरा बंदा था वो फेल हो गया, फेल हो गया मतलब पासिंग मार्क्स से नीचे रह गया, कितना नीचे रह गया, 210 क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके मार्क्स कितने थे, 25%, ठीक है. अब आप ये देखो कि इसके 55% है, इसके 25% है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 30% का. 30% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, 30% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का. मैक्सिमम मार्क्स का 30% कितना है, इन दोनों का अंतर कितना, 450. दोनों को जोड़ोगे तो 450 आएगा. तो मैक्सिमम मार्क्स का 30% जो है 450 है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 450 जो है 30% है. तो देखो जरा इस तरीके से देखो कि 450 जो है मैक्सिमम का 30% है, जरा इस तरीके से चीज़ों को सोचो तो चीज़ें देखो कितनी आसान लगने लगती हैं. 450 30% है, 30 से काट दिया या फिर 3 से काट देते हैं या लेट से 15 से काट देते हैं, 30 जो है वो इसका कितना परसेंट होगा, 2%. जो 30 होगा वो कितना होगा, 2%, 15 से काट दिया, ठीक है. 30 जो है 2% होगा, तो ये 210 है कितना परसेंट होगा, देखो जरा 210 कितना परसेंट होगा, 7 गुना है इसका, 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना कर देते हैं, 7 गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14%, ठीक है. मतलब 25% से अगर 14% ऊपर आते, क्योंकि 210 का मतलब क्या है, 14%, 25% से 14% ऊपर आ जाते तो वो पास हो जाता. मतलब पासिंग मार्क्स क्या है, 25% प्लस 14%, मतलब आंसर इज व्हाट, 39%, आंसर इज 39. इस तरीके से आंसर निकालना चाहिए, राइट, आंसर इज 39%, ठीक है. तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी 39%. इस तरीके से आप जो कि अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. अगर हम बेसिक से करते तो इसको कैसे करते, चलिए देख लेते हैं.
बेसिक से भी देखते हैं इसको, ठीक है। कायदे से तो इस तरीके से आपको करना चाहिए, एग्जाम में कम समय में सॉल्व हो पाए, ठीक है। इवन मॉक टेस्ट में भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। अब अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो मैं मान लेता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है, 100x है, राइट, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन आया उसके 25% मार्क्स आए और 210 कम रह गए, तो मतलब उसके मार्क्स हुए 25x। तो पासिंग मार्क्स कितने हुए, इससे 210 ज़्यादा होने चाहिए। अगर इसके 210 ज़्यादा हो जाते तो पासिंग मार्क्स हो जाते, दिस इज पासिंग मार्क्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो था उसके हिसाब से पासिंग मार्क्स क्या बनने चाहिए, ये देखो पासिंग मार्क्स, उसके मार्क्स आए 55%, उसके मार्क्स आए 55%, और मतलब 55x, 100x का 55%, 55x, और उसके जो है 240 एक्स्ट्रा आ गए, तो मतलब मैं इसमें से 240 घटा देता हूँ तो पासिंग पर पहुँच जाएगा, ठीक है। जो ऊपर पहुँच गया है उसको थोड़ा नीचे गिराना पड़ेगा ताकि वो थ्रेशहोल्ड पर आ जाए, ठीक है। तो 240 पासिंग मार्क्स दोनों के जो हैं बराबर होने चाहिए, तो पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर दो, 25x प्लस 210 बराबर 55x माइनस 240 कितना होगा, 30x बराबर कितना, 450। तो x बराबर कितना, 15, x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, तो पासिंग मार्क्स भी पता है, मैक्सिमम मार्क्स भी पता है। पासिंग मार्क्स कितना है, 25 इंटू 15 प्लस 210, 210 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मार्क्स कितना, 100 इंटू 15 इंटू क्या, 100, यही तो परसेंटेज निकालना है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, मतलब पासिंग मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स के कितने परसेंट है, यही चाहिए। 100 से 100 कट गया, 15 से काटते हैं, 15 से एक बार कटा, 15 से कितनी बार कटेगा, एक बार चार बार, 25 प्लस 14 कितना हुआ, 39%, इस तरीके से आंसर है, ठीक है। बेसिक मेथड है हालांकि, लेकिन अगर आपको उस तरीके से नहीं स्ट्राइक करता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा समय जो है एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 44%, एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया मैंने 44% बढ़ा दिया, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो देखो हालांकि ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन हो सकता है, विद इन 5 सेकंड्स आप इसका आंसर कर सकते हो, लेकिन उसको समझने के लिए आपको पहले से ही काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज किसकी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की नॉलेज। जैसे कि अगर मैं कोई वैल्यू एक्स को आर परसेंट इंक्रीज करता हूँ तो फाइनल वैल्यू क्या होती है, 1 + r/100 × x, राइट। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर वैल्यू एक्स है उसे आर परसेंट से बढ़ाया तो दिस विल बी एक्स प्लस आर परसेंट ऑफ एक्स, एक्स प्लस आर परसेंट का मतलब कि आर बाई हंड्रेड इंटू एक्स, तो 1 + r/100 × क्या हो गया, एक्स हो गया, राइट। मतलब किसी वैल्यू को अगर आर परसेंट से बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू 1 + r/100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, इतनी बात मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो वॉल्यूम, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 4 πr², और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। जो कॉन्स्टेंट है उससे हमें परसेंटेज में मतलब ही नहीं है, राइट। हमें ये जो कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं 4π and 4/3π, इनसे मतलब ही नहीं है, राइट। हमें तो ये देखना है कि कर्व सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग जाएंगे तो रेडियस, रेडियस में कितना चेंज हुआ है नहीं पता, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ है वो पता है। अगर आर स्क्वायर में चेंज हुआ है 44%, मतलब आर स्क्वायर कितने टाइम्स हो गया, आप ये देखो कितने टाइम्स हो गया, 1.44 times हुआ कि नहीं हुआ, राइट। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अभी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अगर किसी चीज़ में 44% इंक्रीज करेंगे तो वो चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 + 44/100, ये क्या होता है 0.44, तो 1.44 times होगा, राइट। तो मतलब रेडियस आर स्क्वायर कितने टाइम्स होगा, 1.44 times, तो आर कितने टाइम्स होगा, यहाँ से ये सोचो कि आर कितने टाइम्स होगा, आर तो इसका स्क्वायर रूट है, अगर आर स्क्वायर में इतने टाइम्स हुआ है तो आर में कितना टाइम्स हुआ है, इसका स्क्वायर रूट 1.44, मतलब कितना, 1.2 times, ठीक है। अगर आर में इतना चेंज हुआ है तो आर क्यूब में कितना चेंज होगा, कितने टाइम्स होगा, 1.2 cube times, राइट, 1.2 cube, राइट। 1.2 cube क्या होता है, 1728, राइट,
इतने टाइम्स हो गया, मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ ये देखो। मैं इसको 1 प्लस आर बाई 100 की फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस 72.8 बाई 100, इस तरीके से लिखूंगा, राइट। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, 72.8, मतलब चेंज कितना हुआ, मतलब ये जो आर है वो आर, ये वो वाला आर नहीं है जो मैंने अभी बताया था, ये जो है परसेंटेज चेंज है, राइट। एक्स मान लो इसको, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी, 72.8, मतलब चेंज कितना हुआ, 72.8%। आर क्यूब में इतना चेंज, मतलब वॉल्यूम में इतना चेंज, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आंसर इज 72.8%, यानी कि ऑप्शन सी। इस चीज़ को हम दिमाग में भी कर सकते थे कि 44 मतलब 1.44, उसका स्क्वायर रूट 1.2 और उसका क्यूब रूट, उसका क्यूब जो है 1.728, मतलब 72.8% का चेंज। अगर हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा है, हमने प्रिपरेशन, हमें जो है परसेंटेज पर पूरी कमांड बना रखी है, तो हम इसको दिमाग में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इस तरीके से, क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम। रोहित के कितने मार्क्स आए, 273 मार्क्स आए, एंड सिक्योर्ड 5% मोर देन द पासिंग मार्क्स, ठीक है। 273 मार्क्स उसके आए और जो है पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा हुए, 5% ज़्यादा हुए, ठीक है। अच्छा, इफ राहुल गॉट 312 मार्क्स, देन बाय व्हाट परसेंटेज वॉज द स्कोर ऑफ राहुल अबव द पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर पासिंग परसेंटेज तो नहीं दिया गया, कि कितने परसेंट पर जो बंदा है वो पास होगा, ये हमें नहीं दिया गया, ठीक है। जब ये नहीं दिया गया तो फिर इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होना चाहिए, राइट। और तो ऐसा सोचकर जो है लोग इसका आंसर लगा देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, राइट, लेकिन वो गलत है, राइट। आप इस तरीके से इसको सोचो कि 273 जो है वो पासिंग मार्क्स का कितना परसेंट है। 273 मार्क्स अगर किसी बंदे के आते हैं और पासिंग मार्क्स से 5% ऊपर हैं, तो अगर पासिंग मार्क्स 100% हैं तो पासिंग मार्क्स से कितना ऊपर है, 5% ऊपर है, मतलब पासिंग मार्क्स का 105% है 273। तो मैं बोलूंगा कि 273 जो है वो पासिंग मार्क्स का कितना परसेंट है, 105% है, राइट। तो 312 अगर किसी नंबर, किसी बंदे के आते हैं तो वो पासिंग मार्क्स के कितने परसेंट है, पहले तो मुझे वो निकालना है। अगर 273 105% है तो एक जो है वो कितना परसेंट है, 105/273%, राइट, ये कितना परसेंट है, ठीक है। अगर मैं 314 की बात करता हूँ, 314, ठीक है, 312 की बात करता हूँ, तो 312 जो है पासिंग मार्क्स का कितना परसेंट होगा, तो 105/273 × 312 ये करते हैं परसेंट, 3 से कैंसिल करते हैं, तो 3 से कैंसिल किया तो 3 से 9 बार 1 बार, 3 से 1 बार 0 बार 4 बार, अब तो 13 से कर सकता है, 7 × 13 = 8 7 से ये कर सकता है कितने टाइम्स, 15 times, 15 × 8 = 120%। मतलब अगर किसी बंदे के 312 नंबर आते हैं, 312 मार्क्स आते हैं, तो वो पासिंग मार्क्स के 120% है, तो पासिंग मार्क्स तो 100% थे, उसके वो 120% है, तो मतलब कितने परसेंट ज़्यादा हैं, 20% ज़्यादा हैं, तो आंसर इज व्हाट, 20%, आंसर इज 20%, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्लियर है बात। इस तरीके से करेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ अगर समझ में नहीं आया हो। एक पर्सन के 273 मार्क्स आए, ठीक है, 273 मार्क्स आए पासिंग मार्क्स से 5% ऊपर थे, बहुत अच्छी बात है कि पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा आ गए उसके, ठीक है, तो पास हो गया। पासिंग मार्क्स अगर 100 मानता हूँ या 100% मानता हूँ, तो ये जो इसके मार्क्स आए हैं वो पासिंग मार्क्स के 105% होंगे, राइट। तो 273 जो है पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा है, मतलब पासिंग मार्क्स का 105% है। सो 273 मतलब 105%, तो 1 मतलब 105/273%। 312 अगर किसी के आए हैं तो 312 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं, तो 120% आ गया, मतलब 312 जो है पासिंग मार्क्स का 120% है, मतलब उससे कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन इस तरीके से, द स्पीड ऑफ रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो कंपार्टमेंट इज अटैच्ड। अगर कोई भी कंपार्टमेंट अटैच नहीं किया हुआ तो स्पीड ऑफ रेलवे इंजन कितनी है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगा होगा बहुत सारे लोगों को, कि अगर कोई कंपार्टमेंट नहीं अटैच किया गया, तो आप देखो कि अगर इंजन में कोई कंपार्टमेंट नहीं अटैच किया हुआ है तो इंजन जो है उस पर लोड कम होगा तो अपनी फुल स्पीड से भागेगा, राइट। तो उसकी फुल स्पीड क्या हो गई, 42 किलोमीटर पर आवर, ये मान सकते हैं। एंड द रिडक्शन इन द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अटैच्ड। मतलब स्पीड में जो कमी आएगी, मतलब मैक्सिमम स्पीड से जो एक्चुअल स्पीड है, अगर ट्रेन की स्पीड एस
एस है और मैक्सिमम स्पीड एस मैक्स है, तो रिडक्शन ये हुआ, ट्रेन की करंट स्पीड को मैक्सिमम स्पीड से घटाएंगे तो वो रिडक्शन हुआ। और जो ये रिडक्शन है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, इस तरीके से मुझे दिया गया है। और मैक्सिमम क्या है स्पीड, जब कोई भी कंपार्टमेंट अटैच नहीं होगा तभी तो स्पीड मैक्सिमम होगी, राइट? क्योंकि रिडक्शन तो तभी होगा जब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जीरो रख दूंगा तो वैल्यू तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो स्पीड मैक्सिमम कितनी है, 42, यहाँ पर दिया गया है कि मैक्सिमम स्पीड इज 42। तो मैं बोलूँगा कि 42 माइनस एस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, ठीक है? आगे देखते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कैरीड बाई दिस इंजन इज 24 किलोमीटर पर आर व्हेन 9 कंपार्टमेंट्स आर अटैच्ड, जब 9 कंपार्टमेंट अटैच होते हैं तो स्पीड जो बनती है वो कितनी होती है, 24। तो पहली बात तो इसको थोड़ा सा वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, 42 माइनस एस इज इक्वल टू के टाइम्स रूट एन, ठीक है? के इज सम कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर मुझसे दिया जाता है कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई तो मैं ऐसे बोल देता हूँ एक्स इज इक्वल टू के वाई, तो के कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर मैंने के कॉन्स्टेंट लगा दिया। यहाँ पर दिया गया है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 24, तो स्पीड मैंने 24 रख दी तो 42 माइनस 24 हो गया, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू के टाइम्स रूट एन, एन की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 रख दिया, राइट? के रूट 9, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 42 माइनस 24 कितना होगा, 42 माइनस 24 18 होगा, ठीक है? 18 बराबर 3 के, इसका रूट 3 हो गया, तो दिस इज 6, के की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। आप देखो जरा 42 माइनस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के तो कांस्टेंट है वो तो हमेशा 6 रहेगा, अगर एक बार 6 आ गया तो हमेशा 6 रहेगा, दैट इज़ व्हाट 6 रूट एन, ऐसा दिया गया है, राइट? हमसे बोला गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स दैट कैन बी कैरिड बाई द इंजन इज व्हाट, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजन जो है कितने कंपार्टमेंट्स को कैरी कर सकता है। अब आप ये सोचो कि यहाँ से स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो चलिए स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 माइनस 6 रूट एन, ये आ जाएगी, राइट? इंजन उसको नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स को कैरी कर सके, मतलब स्पीड जो है जीरो ना हो, ठीक है? मतलब मैं इतने कंपार्टमेंट उसमें ना जोड़ दूँ कि उसकी स्पीड जीरो हो जाए, राइट? वो इंजन चल ही ना पाए, उतना लोड जो है झेल ही ना पाए, ठीक है? तो वो मुझे वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए कि कंपार्टमेंट इतने रहें कि स्पीड जो है ग्रेटर देन जीरो रहे, स्पीड कुछ ना कुछ रहे, राइट? कि मतलब वो कंपार्टमेंट उस इंजन द्वारा कैरी किए जा सके। तो अगर स्पीड की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, मतलब 42 माइनस 6 रूट एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? ये जीरो से बड़ा होगा मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब जो 6 रूट एन है वो 42 से छोटा होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव माइनस दिस नंबर, 42 माइनस 6 रूट एन पॉजिटिव कब आएगा, मतलब ये वाली साइड बड़ी है ये वाली साइड छोटी है, मतलब 6 रूट एन मस्ट बी लेस देन 42, 6 से कैंसिल कर दिया 7 बार, रूट एन लेस देन 7 मतलब एन मस्ट बी लेस देन 49, एन मस्ट बी लेस देन 49 मतलब नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स 49 से कम होने चाहिए, 49 नहीं हो सकते क्योंकि अगर मैंने 49 रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पर 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, 7 6 जा 42, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0, स्पीड 0 हो जाएगी। तो 49 से कम ही लगाने हैं मुझे, तो मैक्सिमम जो है वो कितनी लगा सकता हूँ मैं, 48, ठीक है? ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ जो मार्क करते हैं, जो अगर इतना कर पाते हैं तो वो मार्क करते हैं 49, लेकिन 49 पे दिक्कत क्या है कि स्पीड जीरो हो जाएगी, 49 इज़ द थ्रेशोल्ड, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आकर स्पीड जो है जीरो हो जाती है, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, दैट कंपार्टमेंट दैट कैन बी कैरिड बाय द इंजन, मतलब इंजन चल भी सके, ठीक है? तो जब अगर मैं यहाँ 49 रखूँगा एन की वैल्यू, तो ये जो है स्पीड जीरो हो जाएगी, इंजन नहीं चल पाएगा, तो उससे एक कंपार्टमेंट कम कर देंगे, मैक्सिमम कंपार्टमेंट कितने हो सकते हैं, 48, क्लियर? आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या कहता है सवाल, क्वेश्चन कहता है कैन आर्मी लॉस 10% ऑफ मैन इन वॉर, एक आर्मी के 10% लोग जो है वॉर में खत्म हो गए, 10% ऑफ द रिमेनिंग ड्यू टू डिजीजेस, बचे हुए का 10% डिजीजेस में खत्म हो गए, एंड 10% ऑफ द रेस्ट आर डिसेबल्ड, बचे हुए का 10% जो है डिसेबल हो गए, दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज रिड्यूस टू 729000 एक्टिव मैन, नाउ फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ठीक है? अब इसको आप टेबुलर मेथड से चाहो तो टेबुलर मेथड, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, राइट? बचे हुए का 10% कम होना मतलब सक्सेसिव डिक्रीज होना, ठीक है? टेबुलर मेथड से कैसे करेंगे, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है?
ये इनिशियल और फाइनल का रेशियो आपको देगा। 10 में से एक कम हुआ मतलब रेशियो कितना हुआ 10:9, फिर से 10% कम हुआ मतलब 1/10 कम हुआ मतलब 10 में से रेशियो कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। फिर से 10% जो है वो डिसेबल हो गए मतलब और 10% कम हो गए इसमें से, तो 10% मतलब 1/10 मतलब फिर से रेशियो कितना हुआ 10:9। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आता है। सो जो फाइनली बचे हुए हैं ठीक है वो कितने हैं 729000, इसका कितना गुना 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना कर देते हैं, 1000 गुना कर देते हैं, 1000 × 1000 कर दो तो 1 के आगे 6 0, ठीक है 1 के आगे 6 0 कहाँ दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर किसी को टेबुलर मेथड नहीं आता तो वो देखो इस तरीके से इसको कर सकता है, ऐसे सोचेगा कि अगर इनिशियल वैल्यू एक्स थी उसमें से 10% कम कर दी तो 1 - 1/10 बचा, 90% बचा, 10% मतलब 9/10 बचा, ठीक है। तो सीधे लिखता हूँ इसको, 9/10 बचा, 1/10 कम कर दिया तो बचा 9/10, फिर से 1/10 कम कर दिया बचा 9/10, फिर से 1/10 कम कर दिया बचा 9/10, तो फाइनल जो बचे हुए हैं वो दैट इज 729000, तो 9 का क्यूब मतलब 729, ये कट जाएगा 1000 बार, 1000 × 1000 तो x की वैल्यू 1 के आगे 6 0, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कैसे भी करिए इस क्वेश्चन में आइडियली आपको जो है 10 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 1 ईयर एट 4% कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा क्वेश्चन था, ₹5000 का प्रिंसिपल है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अगर 4% ईयरली कंपाउंड हो तो इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, इसका 4%, इसका 4% निकालो, 1% कितना 50, तो 4% कितना हो गया 200, तो ईयरली कंपाउंड हो तो ₹200 इंटरेस्ट मिलेगी। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो यही रेट कितनी हो जाएगी 2% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि पर एनम रेट अगर 4% है तो हाफ ईयरली रेट कितनी हो गई 2%। तो पहले हाफ ईयर में, क्योंकि एक साल में देखो दो हाफ ईयर बनेंगे, एक साल में 6 महीने के कितने पीरियड आएंगे 2 पीरियड, तो दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। 2% इसका निकालेंगे सबसे पहले, 5000 का 2% कितना होगा, 1% तो 50 है तो 2% कितना हुआ 100 हुआ। नेक्स्ट हाफ ईयर में क्या होगा, साल का जो दूसरे 6 महीने नेक्स्ट 6 महीने उसमें 100 तो रहेगा ही और इसका 2% यानी कि 2 रुपये ऐड हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 202 रुपये हो गया, राइट 202 रुपये हो गया। मतलब डिफरेंस कितना है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो तो 202 मिलेगी और ईयरली कंपाउंड हो तो 200 रुपये मिलेगी, मतलब अंतर कितना 2 रुपीज़, ठीक है। तो अंतर कितना आएगा 2 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये जो है देखो स्कोरिंग क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलते हैं डेफिनेटली, तो इस तरीके से इस मॉक टेस्ट में भी जो है कुछ स्कोरिंग क्वेश्चन आपको ज़रूर मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। 8% का प्रॉफिट होता है अगर एक शर्ट को सेल किया जाए 12% के डिस्काउंट पर। इफ द मार्क प्राइस इज 1080, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट कितना होता है 8% का, तो मैं बोलूंगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहां से निकाल सकता हूं, राइट। अगर 8% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, देखो जरा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, 8% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 108 होना चाहिए। अभी इसको कैंसिल नहीं करना, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 8% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 108, ठीक है। SPCP का रेशियो आ गया। डिस्काउंट कितना है 12%। डिस्काउंट किस किस के बीच में रिलेशन होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। तो मार्क प्राइस ऊपर लिखूंगा, सेलिंग प्राइस नीचे लिखूंगा। ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो SPSP कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर SP ऊपर लिखा है तो यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला 12% का, तो ध्यान रखना कि डिस्काउंट क्या होता है, कमी होती है। 100 रुपये का अगर MRP था तो डिस्काउंट 8% का मिला है, 12% का मिला है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 88 होना चाहिए, 12 इसमें से कम कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो SP कट जाएगा, बचेगा SP से SP कट जाएगा, क्या बनेगा मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, क्या बनेगा 108 अपॉन 88, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मार्क प्राइस दिया गया 1080, तो जरा देखो कि ये 1080 है, 1080 मतलब इसका 10 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस भी इसका 10 गुना कर दो, कितना हो गया 880 रुपये, कॉस्ट प्राइस भी कितना हो गया 880 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विद इन 15 सेकंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जल्दी जल्दी, ठीक है। और ध्यान रखना कि यहाँ पर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 100 लिखते हैं 100 से 100 कट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेडर सेल्स 2 बुलक्स फॉर रुपीज 8400 ईच, ठीक है। एक ट्रेडर ने 2 बुलक्स बेचे, कितने कितने के? एक दोनों की कीमत थी, दोनों का जो सेलिंग प्राइस था वो 8400 रुपये था। नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन टोटल, कुल मिलाकर उसे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। इफ ही सोल्ड वन ऑफ द बुलक्स एट अ गेन ऑफ 20% देन द अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ व्हाट परसेंट। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। पहले वाले को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे वाले को कितने लॉस पर बेचे ताकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे कि दोनों के सेलिंग प्राइस 8400 रुपये हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस 8400 रुपये, इसका भी और इसका भी। ओवरऑल एसपी कितना है, ओवरऑल एसपी कितना है देखो जरा, इसका 16,800। आप देखोगे कि 20% इंक्रीज के लिए मल्टीप्लाई होता है 1.2 से, तो उल्टा जाने पर डिवाइड होगा, तो 8400 अपॉन 1.2 कितना होगा, 12×7=84, मतलब 7000। अब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आनी चाहिए, वो कब आएगी देखो जरा, 7000, तो मतलब टोटल एसपी टोटल सीपी के बराबर होना चाहिए, मतलब ये भी 16800 होना चाहिए। 7000 में क्या जोड़ूं कि 16800 आए, तो देखो 7000 में 9800 जोड़ेंगे ना, तो 16800 आएगा, 9 और 7 16 होता है, 16800 बनेगा। तो ये कितने लॉस पर बेचा कि 98 था और 84 में बेचा, मतलब 14 का लॉस हुआ, किस पर, 98 पर, इनटू 100 किया, 1/7 हुआ, 1/7 मतलब 14.28%। ये तो देखो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे जो फंडामेंटल हैं वो स्ट्रांग है। अगर किसी के फंडामेंटल और जो बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो उसको इसमें करने में भी समय लग जाएगा, राइट। हमें ये भी ना करना पड़े, राइट, ये क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड सॉल्व हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करना है आपको। हमें 8400 से कोई मतलब ही नहीं है, 8400 तो बहुत अच्छी बात है, कन्वीनियंट वैल्यू है, 1.2 से डिवाइड हो गई और पूरी कैंसिल हो गई। लेकिन अगर इसी की जगह 8300 दे देता तो अगर इस मेथड से आप करते तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाता क्वेश्चन। आप ऐसे देखो, कॉस्ट प्राइस लिखा सेलिंग प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट कितने का होता है 20% का, 20% मतलब कितना, 1/5, 20% मतलब 1/5, ठीक है, 1/5 मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 6 में बेचा है, तो 5:6 का रेशियो हो गया आर्टिकल 1 पर, या कि बुलक 1 पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 5:6 रेशियो हो गया। दूसरे वाले की बात करूँ तो दोनों के देखो सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर ये 6 रुपये है तो ये भी 6 रुपये होगा, राइट। अगर ये 5 की आर्टिकल 6 में बेचा है तो ये भी 6 में बेचा है, क्योंकि दोनों का एसपी तो सेम है, क्वेश्चन में दिया है। ये 6 और 6 कितना होता है 12, तो ये भी 12 होना चाहिए, क्योंकि टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आनी चाहिए, मतलब ओवरऑल एसपी ओवरऑल सीपी के बराबर होना चाहिए। 5 में क्या जोड़ूं के 12 आ जाए, तो 7 जोड़ूंगा, 5 और 7 ही तो 12 बनता है। तो देखो कि कितना लॉस हुआ है, 1 रुपये का लॉस हुआ है, किस पर, 7 पर, तो 1/7 सबको पता है कितना होता है, 14.28%, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से कायदे से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तो विद इन 5 to 10 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय रेशियोज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए और बी एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:6, एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विदड्रॉज, ठीक है, ए ने अपना अमाउंट विदड्रॉ कर लिया 8 महीने बाद, इफ दे रिसीव द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:9, हाउ लॉन्ग बी इज इन्वेस्टमेंट वॉज यूज। सीधी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो होता है, दैट इज अमाउंट का रेशियो इनटू टाइम पीरियड का रेशियो, तो अमाउंट का रेशियो A1/A2 एंड टाइम पीरियड का रेशियो T1/T2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो मिलेगा। प्रॉफिट शेयर का रेशियो कितना है, 5:9 क्वेश्चन में दिया गया है, लिख देते हैं, ठीक है। दे इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 5:6, तो A1/A2 में लिखता हूं ना 5:6। नाउ बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विदड्रॉज, 8 महीने बाद ए ने विदड्रॉ कर लिया, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट केवल 8 महीने तक रहा, ठीक है। हाउ लॉन्ग बीज इन्वेस्टमेंट वॉज यूज, लेट से दैट इज T2, दैट इज बराबर 5:9, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, राइट। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी 9×8 72 अपॉन 6, मतलब कितना 12, तो मतलब 12 मंथ्स, आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ बैंक ऑफर्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस,
हाफ ईयरली बेसिस पर जो है कैलकुलेट होती है इंटरेस्ट. अ कस्टमर डिपॉजिट 16,000 ईच ऑन 1st January एंड 1st July ऑफ द ईयर. ठीक है, अब ध्यान रखना कि 1st January मतलब साल के शुरुआत में उसने इन्वेस्ट किया. साल के शुरुआत में कितना इन्वेस्ट किया? 1600 रुपये. ये 1st January पे. और 1st July की बात करूं तो फिर से इसने 1600 इन्वेस्ट किया. 1600 ईच बोला है ना, फिर से 1600 इन्वेस्ट किया. ठीक है, ठीक है. एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही हैव वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट. मतलब कुल मिलाकर साल के एंड में से कितनी इंटरेस्ट मिलेगी. आप ये देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. ठीक है, 5% की रेट है, हाफ ईयरली कंपाउंड होती है तो रेट कितनी बन जाएगी? 2.5% बन जाएगी. 5% पर एनम की रेट है और हाफ ईयरली अगर कंपाउंड होती है तो रेट कितनी हो जाएगी? 2.5% की, 2.5% की. यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10% बाई 4 की. ठीक है, 10/4% की रेट हो गई. अगर मैं इसकी इंटरेस्ट की बात करूँगा तो इसको तो दो हाफ ईयर की इंटरेस्ट मिलने वाली है. इसको तो दो हाफ ईयर की इंटरेस्ट मिलने वाली है, मतलब ये वाला हाफ ईयर भी और ये वाला हाफ ईयर. और इसको केवल एक हाफ ईयर की इंटरेस्ट मिलने वाली है, राइट. तो अगर मैं इसकी पहले इसको निकाल लेता हूँ कि इसको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 10/4%, मतलब 10% का 1/4. मतलब इसका 10% कितना हुआ? 160. इसका 1/4 कितना हो गया? 40 रुपये. तो इस पर तो 40 रुपये की इंटरेस्ट मिलेगी. और इस वाले सम पर कितनी इंटरेस्ट मिलेगी वो देखो. इसमें जो है दो हाफ ईयर्स बनेंगे, पहला हाफ ईयर और सेकेंड हाफ ईयर. फर्स्ट हाफ ईयर पर क्या मिलेगा? इसका 10/4%, मतलब 40 रुपये. दूसरे हाफ ईयर में क्या होगा कि ये 40 तो रहेगा ही और इसका 10/4% और ऐड कर देंगे. इसका 10% कितना? 4. लेकिन मुझे तो 10/4% चाहिए, तो 1/4 कर दो उसका. तो 1/4 ऑफ 10%, 10% कितना? 4. इसका 1/4 किया तो 1 ऐड कर दिया तो कितना मिला इस पर? 81 मिला, राइट. इस पर कितनी इंटरेस्ट मिली? 81 रुपये. तो पहले वाले जो यहाँ पर 1st January को आपने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया था उस पर 81 रुपये मिले हैं. और जो 1st July को, क्योंकि जुलाई के बाद तो 6 महीने बचते हैं ना, तो इस पर 6 महीने की इंटरेस्ट कितनी मिली? 40 रुपये. तो 81 + 40 मिलकर कितना बना? 121 रुपये. तो आंसर इज व्हाट? 121, यानी कि ऑप्शन बी. क्लियर है बात? ठीक है, तो इस पर एक 6 महीने की इंटरेस्ट और इस पर 2 6 महीने की इंटरेस्ट. ठीक है, दोनों निकाल कर ऐड करनी है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. तो क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹4,624 इन 2 years एंड ₹2,4913 इन 3 years. फाइंड द सम ऑफ मनी. ठीक है, 2 साल में पैसा इतना बन जाता है, 3 साल में इतना बन जाता है, तो पैसा कितना होगा? ये देखो, सबसे पहले तो 2 साल और 3 साल मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दिए गए हैं और उनका अमाउंट दिया गया है, तो मैं यहाँ से रेट परसेंट निकाल सकता हूँ. अगर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधे सीधे रेट परसेंट आप निकाल पाओगे. 4913, इनमें जो सक्सेस जो है परसेंटेज इंक्रीज हम निकालेंगे. 4913 माइनस 4624 डिवाइडेड बाई 4624, तो 15 जो है हम जो है परसेंटेज इंक्रीज यहाँ निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है. तो देखो, दिस इज 9, 13 - 4 = 9, 10 - 2 = 8, 48 - 46 = 2, 289, राइट, डिवाइडेड बाई 4624. क्लियरली देखने पर लगता है कि 289 जो है 17 का स्क्वायर है, तो 17 से ही कैंसिल हो सकता है और किसी से नहीं, क्योंकि 17 × 17 प्राइम नंबर है और किसी से नहीं कटेगा. 17 से कैंसिल किया, 17 टाइम जाएगा, 17 से कैंसिल करो, 2 बार 34 बचा, 12 17 7 119 बचा, 3 2 बार गया, 17 से फिर कैंसिल करो 1 बार, देन 6 बार, 1/16 आ गया, 100/16. मतलब मैं बोलूँगा कि R इज इक्वल टू 100/16, तो मैं बोलूँगा कि R बाई 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/16. ऐसे लिख देते हैं. ठीक, हमसे कहा गया कि 2 साल की जो अमाउंट है वो दैट इज 4624. तो 2 साल का अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + R/100. आर बाई 100 की जगह मैं रखता हूँ 1/16, पावर 2, क्योंकि 2 साल है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4624. अगर इसको सॉल्व करूंगा तो बस मेरा आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल. आप देखो कैसे आएगा. ऐसे सोचो कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस इज व्हाट? 4624. ये 16 का स्क्वायर नीचे बनेगा तो ऊपर जाके 16 × 16 हो जाएगा. नीचे क्या बनेगा? 17. 17 का स्क्वायर 17 × 17. 17 से कैंसिल करना तो पता है ना, 17 से मैंने इसे 2 बार कैंसिल किया था तो कितना आया था? 16 आया था. 17 से 2 बार कैंसिल किया था, बार बार करने की जरूरत नहीं है. मैंने देखा था कि यहाँ मैंने जब 17 से 2 बार कैंसिल किया था 16 आया था. 16 लिख देते हैं. 16 का क्यूब
ठीक है, दिस इज वॉट 16 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, या फिर ऐसा लिखो इसे 2 की पावर 4 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 12, जो आपको पता होना चाहिए 4096, नहीं तो क्यूब निकालना आना चाहिए, राइट। सो आंसर इज 4096, यानी कि ऑप्शन ए। तो प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर क्वेश्चन वो करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट, क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सॉल्व किए मॉक टेस्ट 3 के क्वेश्चंस, और आपने देखा कि उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए था, क्या उनके आंसर थे। तो अपने अपने आप मार्क्स जो है कैलकुलेट कीजिए, किस कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, कौन से एरिया से गलत हुआ था, तो उसको आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और उन चीज़ों पर थोड़ा सा काम कीजिए। थोड़ा सा जो है ज़्यादा हार्डवर्क उन चैप्टर्स पर कीजिए जिनके क्वेश्चन जो है आपके कंसिस्टेंटली गलत हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव होता जाएगा। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket.